गाइज वेलकम टू आवर अनदर न्यू ब्लॉग वीडियो। और आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि हमारे साथ हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आप सबका अपना गोल्डन। आज मैं बहुत ही ज़्यादा लेट सो के जगी, मैंने सोचा कि आज कोई काम नाम नहीं करना है, सही बताऊँ तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आज ना लंच वंच करने के लिए थोड़ा बाहर जाया जाए। तो मैंने सोचा कि मैं अकेले जाऊँगी। विवेक गोल्डन को ही फ़ोन कर दोगे आप? नहीं, मैंने सच बताऊँ तो मुझे लगा था कि आप बिजी हो गए, मुझे लगा चलो कॉल करके देखते हैं। सच बताऊं, मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, इनका फोन आया और इन्होंने किस तरीके से बोला, विवेक प्लान हो गया है और आपको आना ही होगा, आप मना नहीं कर सकते। मैंने कहा भाई अगर इन्होंने इतना प्यार से बोला है तो यार चल लेते हैं ना यार। बाकी हम खाने वाले क्या हैं वो तो बता दीजिए आप। अभी हमने कुछ लंच ऑर्डर किया है, अभी आता है फिर हम आप लोगों को बताते हैं कि हमने क्या क्या किया। आज ना ऐसा प्लान है कि भर के खाना है। और भाई ये ना ये विदेशी खाना बहुत दिनों से खा लिया हूँ, पिज्जा बर्गर। आज खाने वाला हूँ दाल और रोटी, बढ़िया वाली मस्त वाली। मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि श्यामा जी ने इनवाइट किया मुझे और इनसे मिलके बहुत मज़ा आया क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। बाकी श्यामा जी बताइए। आप भी अपने काम में बिजी थे, मैं भी अपने काम में बिजी थी ना, तो थोड़ा बहुत मिलना जुलना नहीं हो पाता है। मुझे पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था और ना ही मुझे हिस्ट्री का इतना अच्छा ज्ञान था, सच बताऊँ तो यही है हमारा मिलना होता है इनसे ना, तो हमेशा ही ये ना पॉलिटिक्स की बातें और हिस्ट्री की बातें कि किसने क्या करा, अमेरिका पावरफुल कब बना, जापान पावरफुल था, इंडिया तब ऐसा था, इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा उसने कर दिया। तो ये सारी सुन के अब ना मेरी हिस्ट्री भी बहुत स्ट्रांग हो गई है। और राजनीति का तो पूछो ही मत। मतलब आप डायरेक्टली हमारे व्यूवर्स को, अपने व्यूवर्स को बताना चाहती है मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हूँ बहुत ज़्यादा। अब तो मुझे ना राजनीति का ना मतलब लेवल बढ़ गया है मेरे लिए, तो इतनी ज़्यादा समझ आने लग गई है। आपका बड़प्पन है, लेकिन सच बोलूं यार जब मैं श्यामा से मिलता हूँ ना एक अलग लेवल की पॉजिटिव एनर्जी मेरे को फील होती है। यार लड़की बहुत मेहनत करती है यार, अगर मैं इसकी मेहनत की बात करूँ ना तो मतलब उतना मेहनत मैं नहीं करता हूँ, मैं तो बैठे बैठे पैसा कमाता हूँ, लेकिन शी इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल्स। मतलब बता नहीं सकता हूँ, ये मेरी दोस्त है, इतनी मेहनत करती है, कभी कभी इसका हार्ड वर्क देखता हूँ तो बोलता हूँ यार नहीं, डिजर्व करती है लड़की। और यार जो डिजर्व करती है उसको तो मिलता ही है। मैं आप लोगों को एक अभी अपडेट दे देता हूँ, पहले खाना खा लेते हैं ना उसके बाद अपडेट देते हैं। अपडेट तो देख सकते हैं, अपडेट के लिए खाने की इंतजार करते हैं। तो अभी मैं एक बड़ी सी कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ, नाम आप लोगों को नहीं बता सकता हूँ, और उसमें ये हमारी पार्टनर है। तो बाकी आपको पता है आप सब हमारे भाई हो, हम तो आप लोगों को भी इनवाइट करेंगे कि आप लोग ऑफिशियल वीडियो नहीं है तो कॉमर्शियल बात नहीं करेंगे यहाँ। मैंने कि कमेंट में ना, मैंने आपकी वीडियो में कमेंट आते हैं ना उसमें कि विवेक सर आप कितनी गर्लफ्रेंड बनाओगे, आप कितनी गर्लफ्रेंड बनाओगे, तो मैंने सोच लिया ना कि ये मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है कि आपकी कितनी गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, बताओ चाहती है कि कितनी गर्लफ्रेंड है। जनता के पास और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, हमको पता है जो हमको चाहते हैं। अरे नहीं, वो ये नहीं सवाल पूछते हैं हाँ? चलिए छोड़िए, दूसरे सवाल को लेते हैं। मतलब आपको नहीं बताना है, बताना पड़ेगा ना, इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ। यार देखो गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड का मेरा कोई सीन नहीं है, मैं सिंगल लौटा हूँ और मैं खुश हूँ। नहीं छोड़िए ना इसको, लीव इट। मुझे ऐसा लगा कि आप बोलने वाले हो कि अब तक बस 1 2 3 4 5 20 25 है। मेरी तो गर्लफ्रेंड ही नहीं है यार, लोग जबरदस्ती वाली बात करते हैं। हम लोग जो खाने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं, बहुत तेज भूख लगी है मेरे को। और किसी दिन मैं सोच रहा हूँ, किसी दिन मैं आपको इन्वाइट करता हूँ, आप आइए हमारे ऑफिस में, वीडियो होने वाले हैं। ठीक है डेफिनेटली 100% बिल्कुल। इतना सारा खाना अब ये श्यामा जी खाएंगी, मेरे बस की बात तो नहीं है, मैं एक रोटी खाऊंगा। आप भी तो लगाते हो, आप नहीं लगाते हो? इसको क्या बोलते हैं, प्याज। ओह कितनी बड़ी बात बता दी, किसी को पता ही नहीं था। सो फाइनली हमारा लंच कंप्लीट हो चुका है और अब हम लोग निकल रहे हैं। खा लिए हैं, पेट एकदम बम बम हो चुका है। क्या हो गया है? एकदम बम बम हो चुका है, थोड़ा सा भी अब भूख लगी नहीं है। जितना पेट था उतना भर गया। तुम छोटी हो, थोड़ा हाइट बढ़ाओ अपनी। अब देखो मैं हैंडसम लग रहा हूँ ना।